हेलो दोस्तों, मैं तौसीफ, आप देख रही है राजा हिंदुस्तानी। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देखकर पता कर चुके होंगे कि आज के वीडियो के टॉपिक्स क्या होने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे वायरलेस माउस के बारे में। अक्सर आज देखेंगे तो 80 या 70 या 75% लोग ही आपका वायरलेस माउस यूज करते हैं। जिसके पास आपका लैपटॉप होगा वो तो जरूर यूज करते हैं वायरलेस माउस कहीं भी कैरी करने के लिए, और जिसके पास डेस्कटॉप है वो भी अक्सर वायरलेस माउस यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप है तो हम डेस्कटॉप के लिए भी हम वायरलेस माउस यूज करते हैं। तो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं डेल का एक वायरलेस माउस है और एक कीबोर्ड भी है, कॉम्बो था, हमने लिया था। इसका रिव्यू 1-2-3 महीने बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का जो प्रॉब्लम का इश्यू हमने देखा, और अक्सर लोग बहुत ही लोग देख रहे हैं कि वायरलेस का जो बैटरी बैकअप है दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं दे रहा है। मतलब कि आप एक बैटरी लगाएंगे और रात भर काम करेंगे कि ना, तो एक बैटरी आपका एक महीना भी नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा बैटरी बैकअप के लिए। फिर से आपको नए बैटरी नई सेल खरीदना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक है पेंसिल बैटरी, एक ही है नॉट फॉर रिटेल सेल लिखा हुआ है। जैसे कि हमने इस पर सेट फिर मिला था कॉम्बो सेट में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे एक बैटरी आप लेंगे तो एक महीना भी इसका बैकअप नहीं देंगे आप, यदि आप रेगुलर यूज करते हैं तो। हम आज के लिए इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक रिसॉल्व करने के लिए तरीका ढूंढा है। तरीका कुछ बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप यदि लाइफ डे टू डे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आपका फायदेमंद होगा। तो इसके लिए दो तरीका है दोस्तों। पहले तरीका हम यहाँ अभी बता रहे हैं, दूसरा तरीका आपको हम बाद में बता देंगे। बाद में मतलब कि टू स्टेप बताएंगे, ठीक है, बाद में बताएंगे। तो पहला तरीका है दोस्तों, ऐसा एक बैटरी जो कि वन टाइम यूज के लिए इस बैटरी मिलता है, तो आपको इसको इस बैटरी नहीं खरीदना है। आपको क्या खरीदना है? आपको खरीदना है रिचार्जेबल बैटरी। दोस्तों देखिए, मार्केट में या किसी इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगी जिस बैटरी को रिचार्जेबल होता है, इस टाइप का बैटरी आपको लेना है, इस साइज का, इस टाइप का, और जैसे कि माउस पर फिट होगा, ऐसे में एक बैटरी लेना जो कि है रिचार्जेबल। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बैटरी सेल का जो इमेज लगा देंगे, और इसका जो रिचार्जेबल बैटरी है दोस्तों वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। वन टाइम सेल के जो जितना पैसा लगता है थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आप एक बार ले लेंगे तो लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि इसका रिचार्ज कैसे करें। देखिए दोस्तों, जब आप यूज करेंगे तो इस माउस के अंदर डालकर यूज कर लेंगे, लेकिन जब आप रात में सोने जाते हैं या इस्तेमाल नहीं करते उस टाइम क्या करेंगे, इस सेल को बाहर करके एक अडेप्टर मिलता है, हम यहाँ पर आपको इमेज लगा देंगे, उस अडेप्टर ले लेंगे और किसी मोबाइल के चार्जर के साथ आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एट नाइट आप लगा देंगे, सुबह खुल लेंगे, रिचार्ज हो जाएगा। फिर से आप एक महीना या 1.5 महीना और नहीं तो 20 दिन तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने एक तरीका बताया। दूसरा तरीका है घरेलू तरीका। घरेलू तरीका मतलब कि आपका बेटर जो सेल है वो खरीदना नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपका जरूरत पड़ेगा। दोस्तों पहले हम आपको एक बात बता दें, आजकल के घर में जो कि जहां पर जिस घर में एक लड़का रहता है उस घर का 80% घर में आपको ट्रिमर मिलेगा। हमारे पास एक ट्रिमर है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि KMI का है। तो 80% लोग देखिए दोस्तों जो ट्रिमर यूज करते हैं, तो ट्रिमर यूज करने के लिए आपका बैटरी बैकअप के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सेल लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल लगा हुआ रहता है। तो सेल को हम बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल है दोस्तों। इस सेल को आप यहाँ पर डालकर तो
यूज करेंगे एज ए ट्री मार के तरह। अब ट्री मार तो अब रोज यूज नहीं करते हैं, सप्ताह वीकली एक डे और मंथली एक डे, ठीक है। तब क्या करेंगे, इस जो बैटरी है जो सेल है दोस्तों ट्री मार का सेल, आप क्या करेंगे इस ट्री मार के थ्रू इस सेल को चार्ज कर लेंगे, फुल चार्ज एक रात लगा देंगे या नाइट आपको चार्ज लगा के सुबह खोल लेना है। जो इस सेल फुल चार्ज हो जाएगा और इस बैट सेल को आप इस माउस के अंदर डाल देना है, ठीक है। जब डाल देंगे तो इस माउस आपका वायरलेस तो काम करेगा और बैटरी बैकअप के लिए झंझटी आपको नहीं मिलेगा। हमने बताया इसको एक नाइट चार्ज कर लेंगे, जब यदि आप इसको यूज करना पड़े तो इस माउस का बैटरी खोलकर यहाँ पर डाल लीजिए, यूज कर लीजिए, इसके बाद फिर से यहाँ पर खोलकर माउस पर लगा दीजिए, तो आप लाइफ टाइम ऐसे करके यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें आपको यहाँ पर लगा के दिखा देते हैं कि काम करते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर आपका जो बैटरी है दोस्तों सेल है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं जो कि है दोस्तों ये ट्रीमर का सेल है दोस्तों। यहाँ पर आपको ट्रीमर का जो पता लगा हुआ है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर NCD AA600MAH, ठीक है, 1.2 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था, 1.5 था, तो कोई बात नहीं काम कर लेंगे, लेकिन हम यही तो यूज कर रहे हैं पिछले एक या डेढ़ महीने से यही यूज कर रहे हैं। तो एक बार चार्ज करना पड़ा था, लेकिन हम चार्ज कर लिया क्योंकि ट्रिमर हमने यूज कर रहा था, इसलिए चार्ज फिर से करना पड़ा। तो आप यहाँ पर ट्रिमर और माउस एक बैटरी से यूज कर सकते हैं जैसे आपको बताया मैंने, तो ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे माउस पर यह डाल लेते हैं और आपको दिखा रहा है काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने वन कर दिया, ये देखिए इंडिकेटर वन हो रहा है, मतलब कि ये माउस काम करेगा। तो दोस्तों इसका प्रोसेस हमने दो टाइप का प्रोसेस आपको बता दिया, कौन सा अच्छा लगा, और घरेलू प्रोसेस सबके पास ही होगा दोस्तों, चाहे तो आप घरेलू प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो दोस्त है ऐसे बैटरी बैकअप को परेशान में रहते हैं उसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन्होंने भी इसका सीख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों को बताने के लिए शेयर कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इस प्रोसेस कैसे लगा। आज का टाइम में वीडियो YouTube में कहीं नहीं मिलेगा, हमने इसको वीडियो अपलोड किया फर्स्ट टाइम, तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज आपको दोस्तों बताऊंगा कि ऐसे करके आप यूज करेंगे कि ना, तो एक साल दो साल तीन साल जितना भी आज वायरलेस माउस का लाइफ टाइम रहेगा, तो लाइफ टाइम इस बैटरी का यूज कर सकते, उतना भी पावर नहीं खाता ये माउस, ठीक है। तो आप बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।